हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं वो एक ब्लॉग्स बनाकर। पहले जान लेते हैं कि ब्लॉग्स होते क्या हैं। जो भी हम अपने जैसे ये भी एक यूट्यूब की तरह होता है, जैसे हम यूट्यूब पर अपनी वीडियो गिरते हैं वो उसमें हम, लेकिन यूट्यूब पर हमने एक वीडियो वॉइस में गिरते हैं जो अपनी आवाज़ देकर, लेकिन इसमें हम अपने आर्टिकल जैसे कोई आर्टिकल्स टेक्स्ट में इसमें दे कर गिरते हैं। चलो अगर आप जानना चाहते हैं तो हम बनाते हैं ब्लॉग्स में क्या होता गया है। इसके लिए आप पहले क्रिएट कर लेते हैं हम ब्लॉग्स को। क्रिएट योर ब्लॉग्स, यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी डालनी पड़ती है। जो भी आपकी जीमेल आईडी हो वो भी डाल लें, जहाँ से मैं डाल लेता हूँ गाइस। अगर आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं अपने ब्लॉग्स को और अच्छी तरह ब्लॉग्स बनाते हैं, उसमें स्पेशलिस्ट हैं अपने ब्लॉग्स में, तो आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं वो भी एक ब्लॉग्स के, वो भी यूट्यूब से भी ज़्यादा। फिर सही मानिए, यूट्यूब से ज़्यादा बहुत अच्छी अर्निंग देता है गाइस। देखिए हमारा ब्लॉग्स का पेज खुल चुका है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देगा, एक तो गूगल के साथ करने के लिए, गूगल प्लस अपनी साइन इन करने के लिए, और एक क्रिएट न्यू ब्लॉग्स के लिए। तो यहाँ पे हम अपना ब्लॉग्स कर लेते हैं क्रिएट, इस पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पे आपको ये पेज खुलेगा, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे डिस्प्ले नेम। यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहें, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, अपना नाम, किसी का भी नाम, अपनी चैनल का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ रवि सिंह, क्रिएट कर देते हैं इसको। यहाँ नेक्स्ट पेज खुल रहा है हमारा। यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली बस आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्रिएट कर देते हैं इसको। नेक्स्ट ये हमारा खुलता है टाइटल। जो भी आप अपनी ब्लॉग्स का टाइटल देना चाहें वो आप यहाँ दे सकते हैं। जिस जैसे आप किसी किसी चीज़ पर ब्लॉग्स बना रहे हैं, ब्लॉग्स के ऊपर हो गया, टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, साइंस के ऊपर, तो आप टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ न्यू टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग्स का एड्रेस देना होता है। जो भी आप अपने ब्लॉग्स का एड्रेस देना चाहें जो दे सकते हैं, जो भी, ताकि इस पर लोग व्यूज़ फटाफट इसको लॉगिन करके कर सकते हैं। जो ये अगर ये आप अवेलेबल है तो ये उठा लेगा। देखिए जैसे मेरे यहाँ पे दिखा रहे हैं अवेलेबल, तो या कई बार जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो ये न्यू दिखा यहाँ पे शो कर देता है कि ये अनेबल नहीं है, इस टाइम पर अवेलेबल है मेरे लिए, एक तो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा थीम। जो भी हम अपने ब्लॉग्स के पीछे थीम लगाना चाहते हैं, जो भी आज सिंपल, यहाँ पे मैं सिंपल क्रिएट कर लेता हूँ। अब जो आपको जो पसंद आए वो क्लिक करिए, मैंने यहाँ सिंपल पर क्रिएट किया है इसको। नेक्स्ट ये हमारा आ जाते हैं हमारे डोमेन। जैसे हम अभी अपने ब्लॉग्स पे हमने .com लिखा है ना, तो ये हमारे .in, .enterprises कुछ भी आप लगा सकते हैं अपनी ब्लॉग्स के पीछे, पर ये आपको बाय करने पड़ेंगे। हम आपको दिखाते हैं एक बार सर्च करके इसमें क्या होता क्या है। ये हमारे डोमेन होते हैं, ये हमारे खुल चुके हैं। ये देखिए जैसे enterprises हो गया, ये सब हमें बाय करने पड़ेंगे, इनके लिए हमें अपने पैसे देने पड़ते हैं, तभी ये हमारे डोमेन हमारे ब्लॉग्स के पीछे लगेंगे। ये .com से हट के .enterprises जो भी आप लेना चाहें, .in कुछ भी आप लेना चाह सकते हैं, इनको परचेज करना पड़ेगा। फिलहाल हम भी फ्री में देखते हैं, इसको कट कर दिया यहाँ से हमने। ये देखिए हमारे, ये हमारे ब्लॉग्स का पेज खुल चुका है। यहाँ पे आप अपनी ब्लॉग्स के ब्लॉग्स बनाइए। ब्लॉग्स बनाने के लिए ये सैन दिख रहा है आपको, क्रिएट ए न्यू ब्लॉग, यहाँ पर क्लिक करिए। ये आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स के बारे में जो भी चीज़ आप बताना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ बताइए। यहाँ पे आपको चीज़ की फैसिलिटी दी हुई है, अपने टेक्स्ट को लार्ज करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, उसको अंडरलाइन करने के लिए, हर चीज़ की। चलो गाइस मैं आपको, मैं आपको लिख के बताता हूँ एक बार। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो फ्रेंड्स, ये हेलो फ्रेंड्स मैंने लिख दिया है, तो इसको थोड़ा मैं राइट कर लेता हूँ, थोड़ा सेंटर में करता हूँ उसको। आप यहाँ सेंटर में कर दिया थोड़ा उसको मैंने। इसके बाद उसको आप थोड़ा कलर देना चाहें तो आप उसको थोड़ा पहले लार्ज कर लेते हैं, इसको साइज़ को लार्ज कर दिया हमने। इसके बाद आप थोड़ा इसको कलर देते हैं येलो, येलो उसको सही नहीं है तो रेड देते हैं, रेड सही है। इसके अंडरलाइन कर देंगे इसको हम, अंडरलाइन या बोल्ड भी कर सकते हैं इसको आप, कुछ भी ऐसा आप चाहें कुछ भी इसको कर सकते हैं। अपने यहाँ पर आप अपने अपने ब्लॉग्स के बारे में जो भी आप किसी अपने व्यूअर्स को बताना चाहें बड़े भी आराम से, और कितने पेज ले सकते हैं इसको आप, इसमें कोई लिमिट नहीं है पेज लेने के लिए कि इतनी लिमिट है भाई इसकी, तो आप कितने इसमें पेज ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ब्लॉग्स। अगर इसमें आप अपना अपना टाइम देते हैं, इसको आप अपना पूरा कम इसको कम से कम हर रोज़ अपने एक ब्लॉग्स बनाएं, तो यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब यूट्यूब से भी ज़्यादा आपको अर्निंग देगी। अगर इसमें आप थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 1 ईयर तो लेगा ये थोड़ा अच्छा अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। तो ये हमारा होम पेज आ गया, हम तो चेक कर लेते हैं इसमें होता है क्या क्या है। ये इसमें अर्निंग होती है, ये अर्निंग में और क्लिक करते हैं हम। ये अर्निंग इसमें हमारी जो भी अर्निंग होगी अब व्यूज़ के ऊपर, वो हमारी गूगल एडसेंस में जाती है। लेकिन इसके लिए पहले हमें अपने गूगल एडसेंस को लिंक भी करना होता है। वो जब होगा, जब कम से कम अपने 10-15 व्यूज़ हमारे ब्लॉग्स तो हों और व्यूज़ पे थोड़े उसमें कम से कम हो, जैसे हमारा यूट्यूब पे होता है 10,000 व्यू के ऊपर हमारे गूगल जो हमारी अर्निंग वो स्टार्ट होती है, ऐसे इसमें होता है हमारा अर्निंग। इसमें कम से कम कुछ व्यू तो होने चाहिए और 10-15 पोस्ट भी हमारी होनी चाहिए, तभी ये अप्रूव करता है। इसमें हमारे कमेंट्स भी आ सकते हैं, और ये हमारा स्टेटस है कि हमारे कल कितने आए हैं।